दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि वाटर प्रूफिंग कैसे करनी है। यदि आप अपने बाथरूम की तैयारी कर रहे हैं, बाथरूम बनवाना चाह रहे हैं, तो अक्सर होता क्या है कि बाथरूम में देखिए सबसे ज़्यादा पानी लगता है। नहाते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि भाई पानी ज़्यादा लगेगा, पानी का सारा खेल है। तो क्या होता है, दीवारों में सीलन आ जाती है, लोग भराव भी कर लेंगे, केमिकल भी लगवा लेंगे, सीमेंट का घोल भी करवा लेते हैं, फिर भी ना जाने क्या होता है कि फिर भी सीलन जाने का नाम ही नहीं लेती, पपड़ी सी बन के फूल जाती है। तो मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा केमिकल करवाना है। देखिए, ये जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, डॉक्टर फिक्सिट का एक केमिकल है पॉलीमर वाला। आप पॉलीमर वाला वाटर प्रूफिंग वाला केमिकल बोलेंगे शॉप पे जाकर तो आपको मिल जाएगा। इसको क्या करना होता है, आपको केमिकल में कुछ मात्रा आपको सीमेंट की मिलानी होती है, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना होता है, और फिर ब्रश लेकर के, जो पेंट वाला ब्रश होता है, पूरे बाथरूम में या फिर वो सारी चीज़ें जो कि आपके पानी के संपर्क में आने वाली हैं उस पे आपको कर देना है। एक कोट करिए, उसको सूखने दीजिए, फिर दूसरा कोट करिए, दो कोट बहुत है, उसको करने के बाद फिर सूख जाने दीजिए। और इसकी एक ख़ास बात मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ कि इस केमिकल की क्या ख़ास बात है। इसमें से पानी बिल्कुल भी आर पार नहीं होगा, बिल्कुल सीलन नहीं आएगी, गारंटी है इस चीज़ की। वो क्या है, चलिए जान लीजिए। देखिए, आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे कि ये वैसे तो वाइट कलर में है केमिकल, लेकिन ये क्या है, जब सूखने लगता है तो धीरे धीरे देखिए ब्लू कलर का, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ब्लू कलर का हो गया है। सूखने के बाद ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जैसे पोलोथीन होती है ना आपकी काले रंग की और नीले रंग की, तो ये नीले रंग की फॉर्म में आ जाता है सूखने के बाद, यानी पोलीथीन जैसा, जो नीले रंग की पोलीथीन है और आप इसके बराबर में बिल्कुल रख दीजिएगा तो बिल्कुल उसके जैसी लगती है, यानी कि पोलीथीन जैसा रूप ले लेती है। और आप जानते हैं, अगर पोलीथीन लेकर आएंगे आप, मोटी पोलीथीन, बिल्कुल नई पोलीथीन लेकर आएंगे बाज़ार से, उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी आर पार नहीं होता है। तो ये इसकी क्वालिटी है इस वाले केमिकल की। ये सूखने के बाद पोलीथीन यानी के पॉलीमर, जैसे कि नाम मिलता जुलता है, पॉलीमर और पॉलीथीन, उसके जैसी एक मोटी लेयर बन जाती है और पानी उसमें से आर पार नहीं होता। उसकी खास बात हो रहा है, जैसे कि अभी ये जो एरिया है ये खुला है हमारा, धूप भी पड़ेगी, बारिश भी पड़ेगी, मॉइस्चर भी आएगा, सारे वेदर इससे गुजरेंगे। तो जब धूप पड़ेगी तो इसकी एक क्वालिटी और है, तो जो केमिकल है आपने देखा होगा, जो RCC है, लेंटर होता है, जब वो फटता है तो उसमें दरारें आ जाती हैं गर्मी से, लेंटर में, स्लैब में, RCC में दरारें आती है। तो अगर आपका ये केमिकल हो रखा होगा पहले से, तो जब दरारें आएंगी तो उन दरारों में ये केमिकल भी अंदर चला जाता है, घुस जाता है, यानी कि वहाँ से भी पानी को लीकेज नहीं होने देता है। दैट्स अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ दिस केमिकल, पॉलीमर वाला वाटर प्रूफिंग केमिकल। डॉक्टर फिक्सिट का भी आता है, डॉक्टर ये आपका बर्जर का भी आता है, और एशियन कंपनी जो है, एशियन पेंट बनाने वाली, उसका भी आता है। ये देखिए, वैसे तो ये वाइट है लेकिन सूखने के बाद नीले रंग की एक पॉलीथीन जैसी लेयर बन जाती है। तो इस वीडियो में आपने आज सीखा कि आप जैसे ही आप कास्टिंग कर लेते हैं, RCC की स्लैब होती है, उसके ऊपर आप जो डस्ट का घोल वगैरह करवाते हैं पानी का ढलान देने के लिए, तो वो पानी का ढलान देने से पहले आपको एक केमिकल करवा देना है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में कोई सवाल हो तो सवाल आप पूछ सकते हैं, फीडबैक अपना दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर किया करो फ्रेंड्स। चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, आगे मैं और तमाम वीडियोज़ लाने वाला हूँ जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। अगर आप भविष्य में कोई अपना घर बनाते हैं तो वो ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होंगी। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।